student. How are you? Are you fine? Okay. Today we will discuss a new chapter in physics, class 6, chapter 11, motion and measurement of distances, part 1. इसके पहले क्लास में, सिक्स क्लास में, मैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में दो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, केमिस्ट्री में कंप्लीट कर चुका हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट, और इसके बाद फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में फिनिश कर दिया हूँ। केमिस्ट्री में फाइबर टू फैब्रिक बता दिया हूँ, और फिजिक्स ये चैप्टर है, ये इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क को पूरा करें, क्वेश्चन बनाएं। In ancient time, man used to move only on foot and carry goods either on his back or on the back of some animals. प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज जो थे, means about 10,000 before Christ, 10,000 ईसा पूर्व, हम लोग मानव, आदि मानव के रूप में थे, तो भोजन की तलाश में फूड शेल्टर प्रोटेक्शन एंड ब्रीडिंग करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पांव के द्वारा, पैर के द्वारा चलकर दूरी को तय किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या कि उनके सामान जब हुए तो सामानों को अपने कंधे पर रखकर, सर पर रखकर, और जानवरों को, कुछ पेट एनिमल को बनाया, जैसे बुल के रूप में, ऑक्स के रूप में, एस के रूप में, कैमल के रूप में, डंकी के रूप में, उनके पीठ पर, बैक पर कैरी लोड को रख दिया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान कई दिनों तक दूरी को सफर करते थे। इज इट क्लियर? इतना समझ रहे हैं? अब है हमारा, ए ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज मेड। ट्रांसपोर्टेशन, यातायात में कुछ परिवर्तन हुए, आधुनिकरण हुआ। तो आधुनिकरण कैसे हुआ? बाय द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए का आविष्कार होने के कारण बुलक कार्ट बने, जिसके द्वारा सामान को, ह्यूमन बीइंग को और कैरिंग लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हुआ। नेक्स्ट है, बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का आविष्कार होने के कारण, क्योंकि जेम्स वाट के बारे में पढ़े थे कि जेम्स वाट ने क्या क्या था, हमारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा मानव को, जानवरों को, कैरी लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से कैरी किया जा सकता था। नेक्स्ट आइए, मेजरमेंट, मापक, मापना। इट इज द टेक्निक डेवलप फॉर करेक्ट जजमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा वास्तविक सही रूप से उसको हम लोग निर्णय करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, द लेंथ ऑफ स्टेप्स, आर्म, हैंड्स और फिंगर्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, देयरफोर द डिस्टेंसेज मेजर्ड विथ देयर हेल्प इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। दीज मेथड्स आर देयरफोर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। पहले के लोग मेजरमेंट करने के तरीके नहीं जानते थे, तो उन्होंने हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा और मुट्ठी के द्वारा, फिंगर के द्वारा, उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच कर कर वो नापा करते थे विभिन्न मानवों के द्वारा विभिन्न विभिन्न चीज़ों को। तो ये हमारा परफेक्ट नहीं था, वास्तविक नहीं था, करेक्टनेस नहीं था, इसलिए इसे हम लोग नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि फीता के रूप में इसे नापते हैं, यहाँ से क्यों नहीं से नापते हैं, ये उंगली को स्ट्रेच कर कर नापते हैं, पैर के द्वारा नापते हैं। तो ये परफेक्ट रीडिंग नहीं था, मेजरमेंट नहीं था, इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स के रूप में जाना गया। स्टैंडर्ड मेजर्स मेजर दैट आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नोन एज द स्टैंडर्ड मेजर्स। बताया कि एक ऐसा टेक्निक जिसके द्वारा मेजरमेंट किया गया
और पूरी दुनिया में मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, उसी के द्वारा मापा जाता है, जैसे मीटर के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में, फुट के रूप में। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुए। फिर हमारा है एसआई यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज द सेट ऑफ यूनिट्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एसआई सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बीरो ब्यूटस नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था, और इसी के द्वारा स्टैंडर्ड माना जाता किसी भी यूनिट को। तो एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, चार सिस्टम होते हैं, पद्धति होती हैं जिसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता लेंथ को, मास को और टाइम को। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।